गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के 20 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड। कहा, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बना दिया था बीमारू, भाजपा सरकार ने सभी क्षेत्रों में सुनिश्चित किया विकास। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने किया जोरदार पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा किया है जवानों का अपमान, राहुल गांधी को दिखाया आईना। कहा, बालाकोट और उरी पर सबूत मांगने वाली कांग्रेस से और क्या की जा सकती है उम्मीद। आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी मदद, राज्य आपदा राहत निधि में 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। बिहार में ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों से मचा हड़कंप, मुजफ्फरपुर में रेस्टोरेंट में घुसकर की गई गोलीबारी। उधर बेगूसराय में सेवानिवृत्त शिक्षक की गोली मारकर हत्या, बेटे की हत्या का गवाह भी था मृतक। भाजपा ने नीतीश सरकार को घेरा। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर उतरेगा भारत का चंद्रयान 3। इसरो ने लैंडिंग के समय की दी जानकारी, कहीं वही मंजिल पर नहीं पहुंच पाया रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान, मिशन हुआ असफल। कुश्ती अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप 2023 जीतने के बाद स्वदेश लौटी अंडर 20 महिला कुश्ती टीम, हवाई अड्डे पर हुआ शानदार स्वागत। पहलवानों ने कहा, अगले साल सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ट्रॉफी लाना है हमारा लक्ष्य। भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा T20 मैच डबलिन में आज। 3 मैच की सीरीज में अजय बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगा भारत। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है, मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने भोपाल में गरीब कल्याण महाअभियान में शिरकत की। इस दौरान अमित शाह ने मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के 20 सालों का रिपोर्ट कार्ड लॉन्च किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया था, लेकिन भाजपा ने सरकार गठन के बाद राज्य को बीमारू शब्द से मुक्ति दिलाई। हमने एक बीमारू राज्य को देश के सबसे विकसित राज्यों में 20 साल में पहुंचाने का प्रयास किया है और आगे आजादी के अमृत काल के समय में क्या दृष्टिकोण लेकर मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाना चाहती है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में विकास के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ध्यान सिर्फ घोटाले करने पर रहा। 50 से 2003 तक 53 वर्ष में 6-7 साल छोड़कर पूरा समय कांग्रेस का शासन रहा कि आज जो लोग दावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले एक 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या विरोध मिला? तो एक बीमारू राज्य का विरोध मिला। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने गलवान में संघर्ष करने वाले जवानों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को बदनाम करते हैं और चीन के हाथों प्रोपेगेंडे की मशीन बनते हैं। राहुल गांधी जी, आप गलवान के हमारे सैनिकों के बलिदान और बहादुरी पर सवाल उठा रहे ना? कितना हिम्मत दिखाई गलवान में हमारे बहादुर जवानों ने कि चीन को पीछे हटना पड़ा, ये सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है? तो ना आप होमवर्क करते हैं, विदेश नीति आप कितना समझते हैं इस पर भी बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन वहाँ जा कर के
भारत को बदनाम क्यों करते हैं और चीन के हाथ में आप एक प्रोपेगेंडा की मशीनरी क्यों बनते हैं? भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कानून व्यवस्था को लेकर बिहार की नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश से बिहार नहीं संभल रहा है। नीतीश बाबू, आपसे बिहार नहीं संभल रहा है, संभालिए। देश की चिंता छोड़ दीजिए, देश नरेंद्र मोदी के हाथ में और उनकी अगुवाई में सुरक्षित है। आप कृपा करके बिहार को ठीक करिए, खौफ का राज है, क्योंकि जिनके साथ आपने सरकार बनाई है उनके बड़े बड़े लोगों का, रसूखदार लोगों का आशीर्वाद है बालू माफिया के ऊपर, अपराधियों के ऊपर, इसलिए होता है। तो या तो बिहार आपसे नहीं संभल रहा है या आप संभालना नहीं चाहते हैं, या फिर राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री का परोक्ष सपना देखते देखते बिहार से आप दूर हो गए। नीतीश बाबू, कोई वैकेंसी नहीं है, सपना दिखना छोड़ दीजिए आप। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत की चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने का समय भी तय हो गया है। इसरो ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर उतरेगा। बीती रात चंद्रयान 3 का फाइनल डिबूस्टिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। और चंद्रमा पर पहुंचने की कोशिशों में रूस को झटका लगा है और उसका मिशन लूना 25 असफल हो गया है। इससे पहले रूस के अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके चलते इसकी कक्षा नहीं बदली जा सकी। लूना 25 को सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से हिमाचल प्रदेश के लिए 200 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि स्वीकृत की है। इसका उद्देश्य मानसून के दौरान हुए नुकसान से राज्य को राहत प्रदान करना है। गृह मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन कोष के लिए पिछले महीने 2 किस्तों में कुल 360.80 करोड़ रुपए और इस महीने 189.27 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राज्य में राहत और बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 20 दलों और भारतीय वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे। उनके साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने शिमला सहित कई प्रभावित इलाकों में आपदा पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जाना। नड्डा और अनुराग ठाकुर ने शिमला में समरहिल शिव मंदिर के पास हुए भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र का भी दौरा किया। वहां उन्होंने हालात का जायजा लिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश बाढ़ और बारिश से जूझ रहा है वे भारत सरकार के लिए चिंता का विषय है। केंद्र सरकार राज्य के साथ है और इस जटिल परिस्थिति में हर संभव मदद के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से लगातार हिमाचल की परिस्थिति पर बातचीत कर रहे हैं। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए थे और 7 अगस्त को वो प्रधानमंत्री जी से मिले थे और गृह मंत्री जी से भी मिले थे और वो उन्होंने इंटरिम रिलीफ की बात कही थी कि जो इंटरिम का पैसा है वो हमको वापस मिले। 315 करोड़ रुपए थे जिसमें से दूसरे दिन ही 189 करोड़ रुपीस वो दे दिए गए। और इस तरीके से सारे सिस्टम को अगर हम देखें, स्टेट शेयर को और सबको मिला करके, तो 622 करोड़ के आसपास प्रदेश सरकार को इंटरिम रिलीफ के साथ मिल करके दिए गए हैं। और इसके लिए मैंने आज मुख्यमंत्री जी को आश्वासन भी दिया है
कि जो कुछ भी यहां हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से जरूरत पड़ेगी, भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे और हिमाचल प्रदेश को कोई भी कमी नहीं आने देंगे, इस बात की हमें आपको गारंटी देते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव ने बताया कि शिमला में भूस्खलन के बाद राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। उन्होंने बताया कि अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। One rescue operation is still continuing, that is in the Shiv Mandir. 17 bodies have been discovered and two bodies of a family of seven, or a group of seven, are still to be recovered. So generally the feeling is that there are three more bodies. I was just having a word with the district authorities. They are expecting that they will be able to reach to these three bodies in another two or three days. मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के हिमालय के आसपास के क्षेत्रों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और बिहार के लिए अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। असम और मेघालय में भी तूफान और बिजली के साथ छिटपुट जगहों पर इस महीने की 24 तारीख तक भारी बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु में भी कल और परसों भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है। बिहार के बेगूसराय में आज तड़के एक सेवानिवृत्त शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मॉर्निंग वॉक के दौरान 3 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने शिक्षक पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर ही शिक्षक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2021 में शिक्षक के बेटे की भी हत्या की गई थी और शिक्षक अपने बेटे के हत्याकांड में गवाह था। बिहार में अपराधियों ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर के रेस्टोरेंट में गोलीबारी की घटना सामने आई है। घटना को लेकर पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। वारदात को अंजाम उस समय दिया गया जब लोग खाना खा रहे थे। फायरिंग होते ही वो अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिपते नजर आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथ विश्व नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में रहेंगे। पीएम मोदी ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्रिक्स प्रमुख उभरती विश्व अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथ ही विश्व नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जोहान्सबर्ग दौरा 2 वजह से अहम होगा। पहला, उनकी इंटरवेंशन लीडर समिट पर वो क्या भूमिका देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, विकासशील देशों की, दुनिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर में, क्योंकि भारत की ये एक की प्रायोरिटी है ग्लोबल साउथ भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान। और दूसरा, उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अगर वो मुलाकात होती है, क्योंकि 19वें मिलिट्री कमांडर्स मीट पर भी दोनों भारत और चीन अपने ईस्टर्न लद्दाख में चल रहे बॉर्डर विवाद को सुलझा नहीं पाए थे, तो दुनिया की खास नजर होगी कि क्या राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री मोदी की यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में कुछ गर्माहट ला पाएगी कि नहीं। ब्रिक्स 2023 संस्करण में प्रमुख प्राथमिकता वाले जिन मुद्दों पर विचार विमर्श को आगे बढ़ाया जाएगा उनमें जलवायु परिवर्तन पहल के प्रति साझेदारी विकसित करना, भविष्य के लिए शिक्षा और कौशल विकास में बदलाव, अफ्रीकी महाद्वीपीय
मुक्त व्यापार क्षेत्र के माध्यम से अवसरों को खोलना, महामारी के बाद सुधार को बेहतर करना और सतत विकास पर 2030 एजेंडा, शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी के साथ बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना शामिल हैं। 2019 के बाद पहली बार ब्रिक्स नेता एक मंच पर बैठेंगे। भारत ब्रिक्स को वैश्विक संतुलन, विविधता और बहुलता का एक अहम मंच मानता है। ब्रिक्स समूह का विश्व जनसंख्या में 40% से अधिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 26% योगदान है। अमृतपाल सिंह और शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बिना रुकावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे, यूपीआई ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? यस। नॉनस्टॉप पेमेंट से मिलेगा, नॉनस्टॉप म्यूजिक चलेगा, चलेगा, नॉनस्टॉप चलेगा। अब नॉनस्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए यूपीआई ऑटो पे चलेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के निधन पर उन्हें याद करते हुए एक लेख लिखा है, जिसमें पीएम मोदी ने उन्हें याद करते हुए लिखा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के समारोह के बीच इस खबर को आत्मसात कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था कि बिंदेश्वर पाठक जी अब नहीं रहे। पीएम ने अपने विस्तृत लेख में लिखा है कि सहज, सरल, विनम्र व्यक्तित्व के धनी सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर जी का जाना एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि स्वच्छता को लेकर उनमें जो जज्बा था वो मैं तब से देखता आ रहा हूँ जब मैं गुजरात में था। जब मैं दिल्ली आया तब उनसे भिन्न भिन्न विषयों पर संवाद और बढ़ गया था। हम अक्सर सुनते हैं वन लाइफ वन मिशन, लेकिन वन लाइफ वन मिशन क्या होता है ये बिंदेश्वर जी के जीवन सार में नजर आता है। बिंदेश्वर जी का एक बहुत बड़ा योगदान ये रहा कि उन्होंने गांधी जी के स्वच्छता के विचारों का संस्थागत समाधान दिया। पीएम ने लिखा कि स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत से समरस भारत, समरस भारत से सशक्त भारत, सशक्त भारत से समृद्ध भारत की ये यात्रा अमृतकाल की सबसे जीवंत यात्रा होगी और इस यात्रा में बिंदेश्वर जी की कमी बहुत महसूस होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस अब नए रंग में पटरी पर उतर चुकी है। सफेद नीले रंग वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब नारंगी भूरे रंग वाली नई वंदे भारत पटरियों पर सरपट चलने को तैयार है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने 8 कोच वाली नई ट्रेन को कल ICF से पाड़ी रेलवे फ्लाईओवर तक ट्रैक पर चलाया और परीक्षण किया गया। ये ट्रेन ICF उत्पादन लाइन में 33वीं वंदे भारत ट्रेन है। इस ट्रेन में हाल ही में निर्मित वंदे भारत कोचों जैसी ही सुविधाएं हैं और इसे नए रंग संयोजन के साथ निर्मित किया गया है। अमरनाथ यात्रा के लिए 362 श्रद्धालुओं का 41वां जत्था आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कश्मीर के बालताल और पहलगाम आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। इनमें 257 पुरुष, 76 महिलाएं, 1 शिक्षु, 25 साधु और 3 साध्वियां हैं। ये सभी श्रद्धालु बालताल के रास्ते अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगी। पिछले 50 दिनों में अब तक 4,32,000 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है, जो एक रिकॉर्ड है। 62 दिन की ये यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से शुरू हुई है और 31 अगस्त तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। इस वर्ष 17 सितंबर से शुरू होने वाली इस योजना के तहत पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को विभिन्न आर्थिक लाभ प्रदान किए जाएंगे। विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। बहुत अच्छा काम है और गरीबों उसमें सुधर जाएगा। ऐसे प्रधानमंत्री पहले बार देख रहे हैं और दे रहा है गरीबों के साथ, वो बहुत अच्छा है और देते रहेगा तो हम लोग भी गरीब लोग आगे बढ़ जाएंगे। अपने मोती मोती से कमा करके प्रेस ले करके धोबी काम करते हैं। मोदी जी एक घोषणा की है, मोदी जी आपके धन्यवाद, दुकान को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा।
घर का सर। अब उसके बाद में जो पैसा है उसको बैंक में रखे रहूँगा, कल के दिन भी 5% ब्याज देना है तो उसी में दूंगा मोदी जी को। विश्वकर्मा ये से दिन होने वाला है, उसमें घोषणा किया था, छोटे हम कामगार लोगों को कुछ लोन का ऐलान किया था, मदद स्कीम क्या है, कितना कैसे पटाना है पूरा पता करके ही लेंगे। जो मोदी जी कर रहे हैं अभी अच्छे कर रहे हैं, सब बढ़िया 15 तारीख को जो किए हैं घोषणा किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। जो भी मिलेगा सर वो हमारे सहयोग के लिए रहेगा, और हम भी थोड़ा सा एक दुकान डाल सकें अपना और खुद का काम कर सकें सर। प्रधानमंत्री हम लोग छोटे मतलब हुनर वाले के लिए और धंधा आगे बढ़ेगा इसमें लोन में और अपने जीवन अपन करेंगे। चाहे कोई राजमिस्त्री है, चाहे कोई लकड़ का काम करता, चाहे कोई लोहे का काम करता, उन्होंने ट्रेनिंग भी दी जाऊगी, भत्ता भी दिता जाऊगा, 15,000 की मदद भी की जाऊगी। उस तो बाद उन्होंने जोड़ा अपना कारोबार बधाने के लिए 1-1 लाख रुपया भी दिता जाएगा। तय दिल तो धनवाद करदा एक आम नागरिक होने के नाते साढ़े देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने ये बहुत बड़ा एक उपराला करिया। मैं तय दिलों धन्यवाद करता अपने नरेंद्र मोदी जी का, तो इन्होंने ई बसा कड़िया, तो दूजी और इन्होंने विश्वकर्मा योजना चलाई है जिसके दौरान अपने कारपेंटर भरा हो गए होर जो मजदूर भरा हो गए उन्होंने बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये 15,000 तक की मदद तो 1 लाख का लोन दवाने की वादा करते हैं। तो ये भी कहें कि असं इन्होंने फ्री ट्रेनिंग दवावे जिस इनका हौसला बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ही लोगों का भला सोचा है, ये दो स्कीम भी उन्होंने भलाई लिए ही आईया ने। जिहड़ी ई बसा ने वह तो बहुत ही वधिया उपराला किया है कि जिहड़ा प्रदूषण दिन प्रतिदिन फैल रहा है, बीमारियां आ रही ने वो सारिया हुण खट जाणगियां। ई बसा नाल प्रदूषण नहीं होना, जिहदे नाल लोगों नूं साह की बीमारी नहीं होनी, उन्हां तों राहत मिल जाणी। जिहड़ी दूजी है विश्वकर्मा प्रधानमंत्री योजना, वह भी बहुत वधिया है जी। जिस तरह कि जिहड़े कारीगर ने वह काम सीखण गए भी मुफ्त च, तो उन्होंने पैसे भी मिलणगे, तो अपने काम को होर बढ़ावा भी दे सकते हैं। जो प्रधानमंत्री जी साढ़े भारत देश बारे सोचते हैं, तो उन्होंने नवी नवी स्कीम लागू कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने जी इलैक्ट्रॉनिक्स बसा की शुरुआत की है योजना की, वो बहुत वधिया है। ये एक तो प्रदूषण खत्म हो जाएगा और दूसरा जोड़ा डीजल है वो खपत घट खत्म हो जाएगी, घट हो जाएगी, तो जिस दे नाल भी सानू बहुत फायदा होएगा। सब तो पहला धन्यवादी हाँ अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 15 अगस्त को विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है लाल किले तो, जिदी मतलब शुरुआत 17 सितंबर तो होगी। पहली बारी कोई ऐसी सरकार आई है जिन्हें कोई साढ़े सुनहरे भरावों वास्ते एक उपराला किया और बहुत अच्छा उपराला है जिदे नाल साढ़े कारीगर भरावों की बड़ी मदद की जा सकेगी। इस स्कीम के अंडर उन्होंने एक ऐलान किया कि साढ़े कारीगर भरावों को बहुत ही घट ब्याज से लोन उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास कार्यालय के संयुक्त निदेशक LBS यादव ने बताया कि इस योजना के तहत कुल 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये स्कीम जो है सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है और जिसके अंतर्गत जो विश्वकर्मा समाज है जिसमें 18 जो है ट्रेड्स को लिया गया है, इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए जो है 13,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है और जिसमें इनका जो है ट्रेनिंग है और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा और इनको फाइनेंस के लिए है और जो है मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा। तो इस तरह से इनका सर्वांगीण विकास के लिए ये स्कीम बनाई गई है। और इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री बूदी गुनादी सादिकिन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के साथ गांधीनगर में जन औषधि केंद्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हम इंडोनेशिया में भारत के मॉडल को दोहराना चाहते हैं। कितना हिम्मत दिखाई गलवान में हमारे बहादुर जवानों ने। आज से केरल में ओणम पर्व की शुरुआत हो गई है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार को मलयालम कैलेंडर के अनुसार ओणम का पर्व चिंगम माह में मनाया जाता है। आज के केरलवासी पौराणिक राजा महाबली के प्रतीकात्मक स्वागत के लिए ओणम मनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। उत्सव की शुरुआत अथापुकल्लम या फूलों की सजावट से होती है।
और पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों की जलकर मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। यह हादसा पिंडी भट्टिया के पास हुआ, जब डीजल ड्रम ले जा रही एक पिकअप वैन से टकराने के बाद एक यात्री बस में आग लग गई। बचाव अधिकारियों ने बताया कि 35 से 40 यात्रियों को लेकर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। खबरों के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों के ड्राइवरों की मौत हो गई। पाकिस्तान के केपी के प्रांत में मजदूरों से भरी एक गाड़ी में धमाके से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए हैं। यह घटना उत्तरी वजीरिस्तान जिले में हुई। शनिवार शाम ये सब मजदूर अपना काम निपटाकर दक्षिणी वजीरिस्तान जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी एक बारूदी सुरंग से टकरा गई। इस गाड़ी में 16 लोग सवार थे। ऐसी भी खबरें हैं कि ये मजदूर एक चेक पोस्ट पर काम में लगे थे। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पुलिस छापे में मारे गए बच्चों के शव समुद्र तट पर रखे नजर आए। ऐसा कर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस हिंसा के खिलाफ अपना रोष दिखाया। साथ ही इस महीने की शुरुआत में पुलिस ऑपरेशन में मारे गए 13 साल के किशोर थियागो फेलोसिनो के रिश्तेदारों ने नामी कोपा कबाना के बीच पर मार्च निकालकर न्याय की गुहार की। अगस्त के पहले सप्ताह में साओ पाउलो, रियो डी जेनेरियो और बाहिया लेफ्ट में संयुक्त पुलिस कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए थे। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय पहलवानों के लिए आज दिल्ली में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। भारत ने पुरुषों के फ्री स्टाइल स्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल करने में सफलता पाई। मोहित कुमार ने 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल में जयदीप ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रजत राहुल ने भी कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। सागर जगलान ने फ्री स्टाइल के 79 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं टॉप्स स्कीम में ही शामिल दीपक चहल ने कांस्य पदक जीता। भारतीय महिलाओं का भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अंतिम पंघाल ने लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। वहीं प्रिया मलिक ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा। सरिता दलाल ने भी भारत को एक और स्वर्ण पदक दिलवाया। एक अन्य पहलवान अंतिम ने रजत पदक जीता। वहीं रीना, हर्षिता और आरजू ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। भारतीय महिलाओं ने प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज डबलिन में खेला जाएगा। कप्तान जसप्रीत बुमराह की शानदार वापसी से उत्साहित भारतीय टीम आज मैच में जीत दर्ज करके तीनों मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी। भारत इसके साथ ही बेहतर मौसम की भी उम्मीद करेगा, जिससे युवा बल्लेबाजों को अपना कौशल दिखाने का मौका मिलेगा। पहले T20 में भारत ने आयरलैंड को बारिश के कारण बाधित मैच में 2 रन से हराया था। डकवर्थ लुइस नियम के तहत भारत को जीत हासिल हुई थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें, नमस्कार।